हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ आकांक्षा, और आज मैं आप लोगों के साथ में चना दाल और मूंगफली की मिक्स नमकीन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है इसे। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चना दाल चाहिए, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चना दाल है। और इसे हमें भिगोना है 5 से 6 घंटे के लिए। तो इसको मैंने बाउल में डाल दिया है, और इसमें डाल देते हैं पानी और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा डालना ज़रूरी होता है इसलिए क्योंकि इससे जो है हमारी नमकीन कुरकुरी बनेगी अच्छी सी, तो इसलिए बेकिंग सोडा डालना बिल्कुल ना भूलें। और उसके बाद जो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढक करके एक साइड रख देंगे इसे हम। तो फ्रेंड्स, 5 घंटे हो चुके हैं, तो एक बार हम दाल को देख लेते हैं, ये भीगी है कि नहीं भीगी है। तो एक चम्मच की मदद से देखेंगे हम, और मैं आपको ये देखिए दिखा रही हूँ, ये अच्छे से भीग चुकी है। तो इसको जो है अच्छी तरीके से मसल मसल कर धुल करके, और 2-3 पानी से धुल करके, और इसको हम पानी से बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद जो है इसको एक कपड़े पे डाल करके और हमें इसे सुखाना है। यहाँ पर देखिए मैंने एक साफ़ कॉटन का दुपट्टा ले लिया है, और इसी के ऊपर जो है दाल को हम निकाल के डाल देंगे। और उसके बाद जो है इसको अच्छी तरीके से इस पर फैला देना है, और ध्यान रखें इस दाल को जो है धूप में हमें बिल्कुल भी नहीं सुखाना है। और इस तरीके से इसको हम फैला देंगे, और फैलाने के बाद जो है इसको 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये ऐसे ही आसानी से सूख जाती है, इसको धूप की ज़रूरत नहीं है। और इधर मैंने तेल रख दिया था गर्म होने के लिए, तो तेल हमारा गर्म हो गया है, और देखिए हमारी दाल भी सूख गई है। और इसको जो है 1 घंटा लगा है सूखने में अच्छे से पानी, और ध्यान रखें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो दाल की क्वांटिटी हमारी ज़्यादा है, तो मैं इसको हाफ हाफ फ्राई करने वाली हूँ। तो आधा मैंने डाल दिया है कढ़ाई में, और उसके बाद जो इसको चलाते हुए और अच्छे से इसको भूनना है हमें। और ध्यान रखें आँच जो है आपका बिल्कुल हाई फ्लेम होना चाहिए, धीमा बिल्कुल ना रखें, वरना फिर नमकीन जो हमारी अच्छे से फूलेगी नहीं। और इसको जो है इस तरीके से लगातार चलाते रहना है, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो दाने हमारे हो चुके हैं वो ऊपर आने लगेंगे इस तरीके से। और देखिए हमारी नमकीन जो अच्छे से फ्राई हो चुकी है, सारे दाने हमारे ऊपर आ गए हैं। तो अब इसको जो है एक प्लेट में टिश्यू पेपर रख करके उसके ऊपर निकाल लेंगे, जिससे जो इसका एक्स्ट्रा तेल है ना वो निकल जाएगा सारा। और अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर भी रख सकते हैं। और इसी तरीके से हम बची हुई दाल भी फ्राई कर लेंगे। और देखिए ये भी हो गई है, तो इसे भी निकाल लेते हैं। और इसी तेल में हम मूँगफली भी तल लेंगे, तो ये देखिए मूँगफली है, इसको भी डाल देते हैं, और इसे भी हम तल लेंगे लगातार चलाते हुए। और मूंगफली जब तल जाएगी हमारी, तो उसमें से चटकने की आवाज़ आने लगती है, तो आपको समझ में आ जाएगा, और कलर भी चेंज हो जाता है। तो मूंगफली भी हमारी हो गई, इसे निकाल लेते हैं। और देखिए मैंने दोनों चीज़ों को फ्राई कर लिया है, और इसको जो है थोड़ी देर रख देंगे ठंडा होने के लिए फैला करके, और उसके बाद इसमें मसाले मिलाएंगे। नमकीन हमारी ठंडी हो गई है, तो इसको मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है, और उसके बाद इसमें डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक, और 1/2 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है, और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला, करीब 1/2 चम्मच के आसपास। और मसाले में आपको जो पसंद हो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही डाला है क्योंकि मुझे लगता है इतने में ही नमकीन बहुत अच्छी लगती है ये वाली। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और नमकीन हमारी तैयार हो गई है बनकर। तो एक प्लेट में मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, जिससे आपको मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाएँ और आप मेरी वीडियो पहले देख पाएँ। तो फ्रेंड्स, मैं इसको आपको पास से दिखा देती हूँ, और आप देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कोई नहीं बता सकता कि ये घर में बनी हुई नमकीन है। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। और फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक ले बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हैप्पी होली।